तो लेमन को भी मैंने कट करके बीज निकाल के उसको 4 पीसेस में कट कर लिया है ताकि इजीली जल्दी से गल जाए हमारा अचार। तो और इनको मैं एक टोकरी में डाल के किसी भी हवादार जगह पर रख दूँगी, किचन में ही रखूँगी, धूप में मत रखें कभी भी अचार को, क्योंकि तो पानी को अच्छे से आपने जो है मॉइस्चर जो है उसको अपने 2-3 दिन किचन में ही रख के किसी टोकरी में उसको ड्राई कर लेना। ये देखिए बिल्कुल सब्जियां बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। तो अब हम ये रेडी हैं अचार के लिए, और इसके लिए हमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सरसों का तेल है और मसाला जात हैं। और ये तो सबको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मसाला, कलवंजी है, मेथी दाना है, राई दाना है और थोड़ी सी अजवाइन है। इन सब चारों को मैंने पीस के रख लिया है। ये 4 चम्मच जाएंगे और हल्दी 1 चम्मच जाएगी, 1 टेबल स्पून, बड़े चम्मच की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून सौंफ, ये देख लें आपको मैं दिखा रही हूँ करीब से, ये 1 किलो अचार में जाएगा, ठीक है। 1 किलो सब्जियाँ हैं मेरे पास, तो ये देख लें, ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून और नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम सरसों के तेल में और सब्जियों में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखें कलरफुल सी सब्जियां रेडी हैं, सब्जियों का अचार रेडी है। और तेल ज़रा मैंने सही डाला है, आप भी तेल डालने में कंजूसी ना करें। और इसको हम रख देंगे इसी तरह किचन में 3 से 4 दिनों के लिए, तो ये बहुत ही मज़े का आपका अचार बन जाएगा। ये देखिए कलरफुल सा, बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये, और इसको आप ज़रूर बनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और क्योंकि हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो इसको आप 3 से 4 दिन के लिए अचार को रख लें किचन में, और फिर किसी जार में, एयर टाइट जार में आप इसको भर के तो रख सकते हैं।